हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अभी मैं जस्ट आप लोगों के मैसेज पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के मतलब बेइंतहा क्वेश्चन थे मेरे पास ग्रीन कॉफी से लेके रिलेटेड, ग्रीन कॉफी बीन से लेके रिलेटेड एंड ग्रीन कॉफी कैप्सूल। तो आज इस वीडियो में बने रहिए, मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगी कि किस तरह से क्या है, आप कैप्सूल लो कि ग्रीन कॉफी बीन्स लो, कैसे क्या लेना है, तो क्या करना है। तो वीडियो में बने रहे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन आता है कि वो ग्रीन कॉफी कहाँ से परचेज करें और कौन सी बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एज अ यूट्यूबर, एज अ योर गाइड, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ। तो जिस कंपनी की मैंने यूज की थी उस कंपनी का जो भी लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं और वहां से परचेज भी कर सकते हैं। रही बात प्राइस की, तो 180 या 200 समथिंग है उसका प्राइस, तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि रेट जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। दूसरी चीज, बीन्स ज्यादा इफेक्टिव है कि पाउडर ज्यादा इफेक्टिव है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अब बाय चांस अगर आपने पाउडर मंगवा लिया है तो आप क्या करिए, पाउडर आपने मंगवा लिया है और वो नहीं रिटर्न हो सकता है तो आप एक बीन्स का पैकेट मंगवाइए उसके। सो जस्ट आपको जो है वो पाउडर मान लीजिए आपने मंगा लिया है तो बीन्स मंगा के उसको पीस के देन उसमें डाल दीजिए तो जो आपका पाउडर है और बीन्स एक साथ मिक्स होके यूज हो जाएगा। प्लेन पाउडर अकॉर्डिंग टू मी उतना इफेक्टिव नहीं है जितना बीन्स है। उसके बाद का क्वेश्चन ये है कि इसे पीना कैसे है। बहुत सारी मिथ हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने एक्सपर्ट एडवाइस लिया, जो न्यू हब्स के उसमें है मैंने उसके थ्रू बात की तो उन्होंने मुझे आफ्टर मील बोला है, मतलब बिफोर मील बोला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने सोचा है या जो लोगों को मैंने दिया है यूज़ करने के लिए और उनका जो मेरे पास रिव्यू आया है या फिर जो मैंने भी यूज़ किया है अपने ऊपर जो मेरा रिव्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब इसे बिफोर मील लिए खाने के 15 या 20 मिनट बाद लिया है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रही है कंपैरिजन में जो खाने से पहले। तो ये मिथ भी मैं दूर करना चाहती हूँ, क्लियर क्लियर मोटे मोटे शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि ये आपको खाने के 15 से 20 मिनट बाद लेना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है इसे बनाना कैसे है कि पूरा एक वीडियो है प्रॉपर उसका देख लीजिए, जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो पूरा फुल लीजिएगा और बहुत ही बात कि इसको फिनिश करने के बाद जब आप पूरा कोर्स कर लेते हो, 2-3 पैकेट पी लेते हो, आपको डिजायर वेट आपको मिल जाता है तो उसके बाद ये वजन बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है। फ्रेंड्स ये तो मैं क्लियर शब्दों में बोल सकती हूँ कि अगर आपने अपनी डाइट कंटिन्यू रखी है, क्योंकि जब तक आप पियोगे ये मेटाबॉलिक रेट को काफी हाई रखेगी काफी जो भी, लेकिन अगर अकॉर्डिंग आपने डाइट सही रखी है इस कॉफी को बंद करने के बाद तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर डाइट पे अगर आपने बिल्कुल भी खिलवाड़ कर दी अपनी डाइट के साथ तो वजन बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि इसको मैं एक पैकेट पीऊंगी तो मेरा कितना वजन घट जाएगा, तो ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि 70-80-90 वाले हैं वो दिन में 3 बार लें, 50-60 वाले हैं वो इसे दिन में 2 बार लें, तो मैं सबको बताती भी हूँ। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं तो बताती हूँ कि हाइट वेट एज बताइए, तो इसको अकॉर्डिंग बताऊँ कि 2 बार लीजिए 3 बार लीजिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ जब आप मुझे मैसेज करते हो। सो जैसे कि अगर आपने विद डाइट ली है और उसके साथ अगर आप कॉफी कंटिन्यू कर रहे हैं तो मान के चलिए 10 दिन में 2-3 किलो वजन आपका कहीं नहीं गया, बहुत इजी वे में घटेगा। लेकिन अगर डाइट और कॉफी बिल्कुल प्रॉपर वे में ले रहे हैं, अगर आपने डाइट थोड़ी बहुत भी चीट डाइटिंग की लेकिन कॉफी के प्रति आप बराबर हो, मतलब बिल्कुल भी कंटिन्यू हो, तो फिर 1-1.5 किलो वजन आपका जाएगा ही जाएगा 10 दिन में। तो ये इसका रेशियो अकॉर्डिंग टू मी मैंने इसका निकाला है कि किस तरह से वजन इसका जाएगा। तो आई थिंक आपका जो है कॉफी, ग्रीन कॉफी जो है बीन से रिलेटेड या पाउडर से रिलेटेड आपकी जो मिथ है वो दूर हुई होंगी। अब मैं बात करती हूँ ग्रीन कॉफी कैप्सूल्स की। ग्रीन कॉफी कैप्सूल्स की रही बात तो ये कंपैरिजन में बीन्स के थोड़ा सा महंगे हैं
और इसे आपको खाने से आधा घंटा पहले लेना है। अब आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि कैप्सूल ज्यादा इफेक्टिव है कि ग्रीन कॉफी बीन्स ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए, दोनों का अपना अलग रोल है। जो है वो हमें नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है बीन्स, और ये हमें पीस के देन एक कैप्सूल के उसमें डाल के देन तब मिल रहा है। दोनों का रिजल्ट ऑसम है, मैंने दोनों अपनी बॉडी पर ट्राई किया है। कॉफी बीन्स ने भी बहुत अच्छा वेट लॉस किया है। कैप्सूल्स का सबसे मेन जो मैंने जो स्किन पे आया है, यानी कि इससे वेट तो लॉस हुआ ही हुआ है और स्किन पे एक ग्लो देख सकते हैं, मेरी नोज पे एक ग्लो देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं है, जस्ट काजल और लिप कलर है, कोई भी मेकअप नहीं है। उसके साथ एक सबसे प्लस पॉइंट मैंने यही देखा है, और उसमें पिपरिन है यानी कि काले मिर्च है, तो थायराइड वालों के लिए बेस्ट है जो ग्रीन कॉफी कैप्सूल्स हैं, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी ठंड में हाई रखेगा, और जो बहुत जरूरी है ठंड में कि आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हाई रहे, तो उस कंपनी की इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, मतलब आप लोगों को भी बता रही हूँ। और यही मेन है कि उसमें पेपरिन है, इसलिए मैं उसको मेन आप लोगों के को सजेस्ट करती हूँ। दूसरी चीज, स्किन में ग्लो बहुत अच्छा आता है, इस वजह से भी मैं ग्रीन कॉफी कैप्सूल्स को ज्यादा महत्व दे रही हूँ इस समय कंपेरिजन में ग्रीन कॉफी बीन्स के। तो आप चाहे ग्रीन कॉफी बीन्स लीजिए, कैप्सूल्स लीजिए, आपके ऊपर है, वजन दोनों से घटेगा। कैप्सूल के साथ एक मेन है कि स्किन काफी अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होगा, काली मिर्च से रिलेटेड जितनी भी जो है विशेषताएं हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें होंगी। इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है, तो इस वीडियो के नीचे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी। और इस वीडियो के नीचे उसका परचेज लिंक भी है, कॉफी का भी और बीन्स का भी। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, और कोई भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सुगम सनशाइन करके, और मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं फैट टू ऑसम, और मुझे मेल भी कर सकते हैं sugam.amit@gmail.com। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।